अगर आपको ढाबे का खाना पसंद है वो भी एकदम किफायती प्राइस में, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। तो ये कहाँ पे आई हुई है, क्या क्या इनके यहाँ पे मिलता है, अगर सारी डिटेल्स आपको जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं उनकी यहाँ की कुछ डिश। तो सबसे पहले यहाँ पे बन रहा था उनका स्पेशल पिंड वाला छोले। तो यहाँ पे भैया ये ऐसे बेसिकली हर एक डिश पर ऐसे तड़का लगाते ही है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसके अंदर ऑनियन टमाटर और मिर्च और बेसिक मसाला डालकर ये सारा तड़का रेडी कर लिया था। और इसके बाद इसके अंदर पड़ने वाले थे छोले, यहाँ पे ढेर सारी क्वांटिटी में पहले ही रेडी कर दिए जाते हैं और उसके बाद ऐसे तड़के के अंदर डाल कर दिया जाता है, तभी तो भाई यहाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये गर्मा गर्म छोले अब रेडी हो चुके हैं, अब ये जाएंगे सर्व होने के लिए। तो अब मैंने मेरे लिए ऑर्डर की थी उनकी बड़ी ही पॉपुलर दाल मखनी। तो भैया यहाँ पे ये तड़का रेडी करे, भैया ने ले लिया है सबसे पहले ऑयल, उसके बाद इसके अंदर मिर्च और ऑनियन डालकर तड़के को अच्छी तरीके से पकने दे रहे हैं। और दूसरी साइड आप देख रहे हो ये दाल मखनी पूरी बनकर रेडी है। यहाँ पे आपको दो टाइप की दाल मखनी मिल जाएगी, एक बटर वाली जैसे ऊपर से छोंक लगा के भैया देते हैं और दूसरी सिंपल वाली। तो भैया ने यहाँ पे ये तड़का रेडी कर दिया है, अब ये तड़का जाएगा डायरेक्ट दाल मखनी के ऊपर। अब मैंने दूसरी डिश रेडी करवाई थी उनकी बड़ी ही पॉपुलर दही तिखारी, जो यहाँ पे भैया खुद ही दही जमाते हैं। और सारे आप जो यहाँ पे पनीर की आइटम, दूध की आइटम, कोई भी चीज़ खाओगे भैया वहाँ पे ही सारी चीज़ें रेडी करते हैं। तो आप देख सकते हो एक साइड दाल मखनी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया ये दिख रही है, और दूसरी साइड यहाँ पे अभी तड़का लगने जा रहा है दही तड़के का। तो भाई सच में बताओ, अगर आप ढाबा लवर हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आना चाहिए, बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे और सूरत के तो भाई बहुत ही नज़दीक है। तो ये तड़का रेडी हो चुका है, अब तड़के के अंदर पड़ने वाला है ये ढेर सारा दही। तो भैया ने ये दही इसके अंदर डाल दिया, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे और ये हमारा दही तिखारी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पूछते हैं भैया से कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। दाल मखनी है, चना मसाला है, कड़ी पकौड़ा है, शोट मीठा है, पनीर मसाला है, पनीर बटर मसाला है, अंडा कड़ी है, अंडा मसाला है, अंडा कीमा है, भिंडी फ्राई है, आलू जीरा है, दही फ्राई है। ओके, तो यहाँ पे मेरे लिए तड़के वाला दही और ये आ गया था दाल मखनी रेडी होकर। ये टेस्ट में कैसा है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम और क्या क्या चीजें मिल जाती है। कितने साल से आप ये ढाबा है? होंगे 50 साल से ऊपर ही होंगे। तो क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ पर? यहाँ लिस्ट है वो दाल मखनी, दाल फ्राई, कड़ी पकौड़ा, चना मसाला, सेव टमाटर, अंडा कड़ी और ग्रीन वेजिटेबल, पनीर की आइटम। अच्छा, और सब लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? सब थोड़ा दाल मखनी ज्यादा चलती है, कड़ी पकौड़ा भी, चना मसाला सब चलता है यानी के। अच्छा, तो यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन हम बता दीजिए और टाइम बता दीजिए। ये सुबह 11 बजे से शाम को 5-5:30 बजे तक, फिर 7:15 बजे से ले रात को 12:00-1:00 बजे तक। अच्छा। और ये पलसाना हाईवे के नज़दीक, पलसाना चौकड़ी के नज़दीक। थैंक यू। ओके,
तो ये सारे खाने का कितना बिल हुआ होगा अगर आपको पता चल गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।